आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सब लोग सोचते होंगे ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आज बाबू का 9th मंथ का वैक्सीन है, तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। अभी हम पहुँच गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में अभी बाबू को देंगे हम वैक्सीन। ये मेरे गाँव का हॉस्पिटल है और ये बहुत साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं और यहाँ पे हर टाइप का वैक्सीन दिया जाता है, छोटे से लेके बड़े तक। तो यहाँ पे बाबू को आज हम देने वाले हैं वैक्सीन। ये वीडियो में जो लेडी देख रहे हो, ये मेरी दादी है और ये आज बाबू को देने वाली है वैक्सीन। होप सो बाबू ज़्यादा ना रोए। 9 मंथ वैक्सीन में 3 डोज दिया जाता है, जो कि 2 हाथों में दिया जाता है और 1 पैरों में दिया जाता है। तो बाबू आज देने वाला है 3 मतलब वैक्सीन। तो देखिए, पापा पकड़े हैं बाबू का अभी और बहला रहे हैं ताकि बाबू ज़्यादा ना रोए। चलिए, मैं आपको आज हमारे गांव का फुल हॉस्पिटल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है और यहाँ पे मतलब हर टाइप का सुविधा दिया जाता है पेशेंट को। यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे मतलब नेगलेक्ट नहीं किया जाता। देखिए, बहुत सारे पेशेंट हैं। अभी बाबू यहाँ पे बात कर रहा है और एक बच्चे के साथ। ये बच्चे के बाद बाबू को देंगे वैक्सीन। और फिलहाल बाबू तो अभी चुप है, लेकिन वैक्सीन देने के बाद क्या होता है उसका हालत देखते हैं। अभी दादी लिखने वाली है, दादी लिख रही है अभी बाबू को कौन कौन से डोज देने वाले हैं और कौन से डेट में दिए हैं। तो ये कार्ड में बाबू का हर चीज़ लिखा रहता है, मेंशन किया जाता है। और ये है बाबू का निकाल रहे अभी वैक्सीन। अभी ये छोटा बच्चा को वैक्सीन दे रहे हैं और ये छोटा बच्चा को वैक्सीन देने के बाद बाबू को देंगे वैक्सीन। और तो इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर वेट किए हैं, पापा और मैं। इसके बाद बाबू को देने वाले हैं टीका। ये छोटा बच्चा इतना ज़ोर से रो रहा है, जो इसका रोना देख के यार मेरी खुद की आँख से आंसू निकल गए। और मैं सोच रही थी कि बस बापू ज़्यादा ना रोए। छोटा बच्चा का रोना बंद ही नहीं हो रहा था यार, इतना ज़्यादा ज़ोर से रो रहा था। बाबू का बारी आ गया, अब बाबू को देने वाले हैं वैक्सीन। बाबू वो छोटा बच्चा को देख रहा है अभी और वो देख के ये रोने लग गया था, तो मुझे डर लग गया था कि ये ज़्यादा ना रोए। बाबू को पहला मतलब डोज लग गया था और वो इतना ज़्यादा रो रहा था, जो मतलब उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसको मैं उसको बहलाने के लिए उस तरफ ले के गई, फिर भी उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। कभी इतना नहीं रोया था, पहली बार इतना रो रहा था। तो खुद अच्छा नहीं लग रहा था यार उसका रोना देख के। अभी बाबू को लगने वाला है 2nd डोज, जो कि हाथों में, और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था और वो खाली रोए जा रहा था। उसका रोना देख के यार मुझे खुद रोना लग गया था, इतना ज़्यादा ज़ोर से वो रो रहा था। जो आज तक बाबू को जितना भी वैक्सीन लगा है उसके जन्म होने के बाद, वो कभी इतना नहीं रोया था, पहली बार इतना रो रहा है। मतलब उसको जितना भी बहलाने से वो बहल ही नहीं रहा था, खाली रोए जा रहा था। तो मतलब खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था यार, मेरा बच्चा इतना ज़ोर से रो रहा था। जो
अभी उसको देने वाले हैं तीसरा डोज तो किए और एक हाथों में, और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था, वो खाली रोए जा रहा था। तो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था यार उसका रोना, मतलब सुन सुन। इस बार बाबू बहुत ज़्यादा रोया, इतना कभी नहीं रोया था जितना भी आज तक वैक्सीन उसको लगा है। और बड़ा हो गया है तो इसीलिए उसको अभी मतलब वो जो पेन होता है ना वो महसूस कर पा रहा है अभी। तो बहुत ज़्यादा रोया है इस बार, ना रो रहा था जो फुल हॉस्पिटल में गूंज रहा था उसका रोने का आवाज़, जो मतलब इतना ज़ोर से वो रो रहा था जो। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मायके का नया घर, और जो वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ वो मेरा पुराना घर है जहाँ पे हम लोग सब रह रहे हैं अभी फ़िलहाल, और ये नए घर में अभी तक हम शिफ्ट नहीं हुए हैं। जो चलो देखते हैं ये नया घर। ये वाला पहला है एंट्रेंस जो कि छोटा सा हॉल, ये एक छोटा सा बेडरूम है जो कि अभी तक फ़िलहाल कोई शिफ्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, और ये अच्छे से बना भी नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं रह रहा अभी। और ये एक छोटा सा हॉल है जो यहाँ पे मतलब कोई नहीं रह रहा अभी। और ये मेरे दादाजी का बेडरूम है जो फ़िलहाल दादाजी अभी अकेले सो रहे हैं यहाँ पे। ये बाथरूम अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट नहीं किए हैं, जब बाथरूम हो जाएगा तब सबके सब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और ये है किचन, किचन भी अब तक कुछ नहीं हुआ है तो इसीलिए यहाँ पे बेसिन सिस्टम भी अब तक नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तब मेरे घर वाले यहाँ पे सब शिफ्ट हो जाएंगे ये नए घर में, अभी फ़िलहाल सब पुराने घर में रह रहे हैं। और ये पूजा का घर है, छोटा सा है बट क्यूट सा है। इतना ही है बस मेरा नया घर। मेरे दादाजी बाहर गए थे और बाबू को देख के दादाजी आ गए, दादाजी अभी पकड़े हैं बाबू को, और बाबू बहुत आराम से दादाजी के पास है, वो रो भी नहीं रहा था दादाजी के पास। अभी हम जा रहे हैं अपने घर, और देखिए ये बहुत बड़ा तालाब है मेरे गांव का, और जा रहे हैं अभी हम अपने घर। पहुंचने के बाद बाबू खाना खा रहा है और मम्मी खाना खिला रही है उसे, और खाना खाने के बाद बाबू को मैं बाहर घुमाने लेने जाने वाली हूँ अभी। सो गाइस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर मेरा वीडियो आज का थोड़ा भी अच्छा लगा होगा ना प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्थ रहिए, बाय।